मनाली का नाम सुनते ही आई गेस सबको मॉल रोड, हिडिम्बा टेम्पल, सोलांग वैली और अटल टनल याद आ जाता है, बट आई फील मनाली इन सब जगहों के बाद शुरू होता है। हाय एवरीवन, मैं हूं अनु एंड वेलकम टू माय चैनल द वर्गो कंपस। ओवर द टाइम मनाली रह के ये बात तो समझ आ गई कि यहाँ पे बहुत सारी हिडन एंड अंडररेटेड जगह है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा ही वीडियो बनाऊं जिसमें मैं चार ऐसी जगह दिखाऊं जो मनाली से 10 टू 15 किलोमीटर्स पे है बट बहुत ही अमेजिंग है। तो विदाउट एनी फर्दर डू इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट लोकेशन से, जो है सजला वाटरफॉल। तो सजला वाटरफॉल मनाली एंड नग्गर के बीच में आता है, अराउंड 10 टू 15 किलोमीटर दूर है मनाली से एंड बहुत ही प्यारी जगह है सजला विलेज के पास में। तो सजला विलेज पर जब आप जाओगे यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर आपको पहले तो एक टेंपल दिखेगा जहाँ पे आप ज़रूर जाना। अनफॉर्चुनेटली जब मैं गई थी तब वो बंद था, और अगर आप पहली बार भी आ रहे हो सजला वाटरफॉल तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इतनी प्रॉम्प्ट वे में मार्किंग की गई है कि हमें एक ही बार में रास्ता समझ आ गया था। चीका की तरफ जो फर्स्ट डे हम करते हैं अपना एसेंट, बिल्कुल वैसी फील दे रहा है, बहुत ही अमेजिंग है। सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जगदीश भैया के हाथ का सिद्धू मैगी एंड चाय पीना मत भूलिएगा, बहुत ही अमेजिंग बनता है। एंड ये सजला वाटरफॉल का आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों को पता नहीं होता, यूजुअली लोग अपना खाना लेके भी आ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि कोविड का टाइम है, और हम लोग भी अपने साथ लेके चले थे, बट वहाँ पे जाके हमारा मन कर गया कि हम जरूर टेस्ट करें। वाटरफॉल देखने के बाद आपका मन कर रहा है कुछ मोनेस्ट्री या टेंपल जैसी वाइब चाहिए आपको, तो मेरे पास एक और जगह है जो है पतली कुहल के पास में। तो मनाली से अगेन 20 टू 30 किलोमीटर दूर है, बट ये बहुत ही अमेजिंग पंगन मोनेस्ट्री है। लॉन्ग ड्राइव के बाद ये पहला पॉइंट है जहाँ पे आप रुकना चाहेंगे एंड डेफिनेटली फोटो लेना चाहेंगे, इतना खूबसूरत लगता है। इस जगह में एक अलग ही सुकून था एंड आई फील ये हर मोनेस्ट्री में होता है, राइट? तो ये वो स्पॉट है जो मेन अपने फ्लैग स्पॉट से अगर आप 200-300 मीटर आगे आओगे यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कीजिए ताकि आप इजीली यहाँ से वॉक करके आगे जा सकते हैं, क्योंकि आगे पार्किंग का इश्यू होगा, यहाँ पे बहुत सही एरिया है, पार्क आराम से कर सकते हैं। एंड आई नोटिस्ड कि कुछ घर बनाए जा रहे थे विच वॉज एक्चुअली इरेक्टेड नियर द मोनेस्ट्री, बिकॉज दीज वर द लिविंग क्वार्टर्स फॉर द नन्स एंड द मंक्स। एक्चुअली ऐसे लगेगा कि दे आर हैंगिंग ऑन द हिल लाइक 250 मीटर्स अबव द वैली। कहा जाता है कि ये मोनेस्ट्री सेंट केंचन के ऑनर में इरेक्ट हुई थी, हु डाइड इन सितंबर 2000। सो केंचन यहाँ के केव में मेडिटेट किया करते थे व्हेन ही गॉट एनलाइटेड, एंड इसी केव के ऊपर इस गोम्पा स्तूपा को बनाया गया।
सो डेफिनेटली इस मोनेस्ट्री की हिस्ट्री के साथ साथ यहाँ की वाइब्स अनबीटेबल थी। तो यहाँ पे हमें मिल गई थी बटर चाय, यहाँ की फेमस, इतनी यम्मी चाय मैंने कभी नहीं पी, मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ पे। ये लोग इतने अच्छे थे कि इन्होंने खुद से ही चला के ऑफर किया एंड हम बस एंजॉय कर रहे हैं। अगर वाटरफॉल इन मोनेस्ट्री जैसी जगह आपको एक्साइट नहीं करती है तो आई हैव समथिंग मोर फॉर यू। तो ये है एक डे ट्रैक एंड ट्रस्ट मी इसकी डिटेल्स आपको गूगल पर भी नहीं मिलेगी, मैंने बहुत ट्राई मारा था। मैं लकी थी कि मैं अपने लोकल फ्रेंड के साथ यहाँ पर गई थी एंड एक डे ट्रैक था, आप इसको वन नाइट ट्रैक भी बना सकते हो, मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया है। विद इन 2 आवर्स आप इस ट्रैक के टॉप पर पहुँच जाओगे। गाइस दिस इज द व्यू, आई थिंक इससे अच्छा ट्रैक अगर आप एक दिन के लिए आना चाहते हैं इससे अच्छा ट्रैक कहीं नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की रेंज, वैसे आपको आइडिया होगा बट ये पूरा हमटा पास है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सामने अपने पूरा रोहतांग है, ये हमारी पूरी धौलाधर और जो पीरपंजल रेंज है उसमें से 7 सिस्टर्स है और पीक के अलग अलग नाम है एंड वो पूरा मनाली होते हुए दिस इज समथिंग। एंड ये तो सिर्फ व्यू था एक साइड का, मैं आपको दूसरा साइड का व्यू दिखाती हूँ, आई थिंक दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ से आपको ब्यूटिफुल मनाली कुल्लू सारी रेंज दिखने वाली है। अगर आपके पास ड्रोन है तो आप इस ट्रैक को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत 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 अमेजिंग है और मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी। आफ्टर डे ट्रैक अगर आपको एक डिसेंट से विलेज टूर चाहिए जहाँ पे आपको एक हिमाचल के विलेज की ऑथेंटिसिटी दिखे, ब्यूटी दिखे, पानी हो, पहाड़ हो, सब कुछ, दिस इज द विलेज फॉर यू। ये है सॉइल विलेज। हिडन जगह मैं बोलूँगी, मुझे नहीं पता यहाँ पे लोग इतने क्यों नहीं आते हैं और जब जब मैं आई हूँ मुझे हार्डली 1 से 2 लोग दिखे हैं कोई नए टूरिस्ट आते हुए, बाकी पूरे विलेज में सिर्फ मुझे यहाँ के लोकल्स दिखते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वाइब्स आती है। गाइस दिस इज़ द प्लेस एंड बेस्ट पार्ट ये है यहाँ पर नेटवर्क भी आता है, तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह अगर बहुत ज़्यादा ऐसी लोग नहीं जाते हैं या ऑफ बीट होती है नेटवर्क इश्यूज रहते हैं, यहाँ पे ऑल द वे अच्छा नेटवर्क था, गांव वाले इतने हेल्पिंग है, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा ही कहीं अकेले आ गए हैं। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से मुझे लग रहा है यहाँ के कैफेज अगर बंद है, मतलब यहाँ पर अगर देखेंगे ये सारा पहले एरिया था, यहाँ पे काफ़ी कैफेज थे, खाने पीने का कुछ था बट अभी वो सब नहीं है, बट दिस इज़ द बेस्ट प्लेस यू कैन एवर विजिट इन मनाली एंड नोबडी विल टेल यू। मेरा तो पड़ोसी है सॉइल विलेज, तो मैं तो महीने या 2 महीने में 1-2 बार तो पक्का जाती हूँ यहाँ पे एंड मैं आपको भी डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी बिकॉज दिस इज टोटल ब्यूटी। तो ये तो थी सिर्फ 4 जगह जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई, बट ऐसी बहुत सारी जगह है जिसमें मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये 4 जगह मैंने एक्चुअली ओवर द टाइम अलग अलग जगहों पे शूट किया था, तो मैंने सोचा इनको क्यूरेट कर दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अमेजिंग ट्रैक के बारे में बताना चाहती हूँ जो मैं अभी इसी वीक जाके आई थी एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसकी डिटेलिंग देने वाली हूँ एंड उससे नेक्स्ट वीडियो भी एक ट्रैक ही होने वाला है। तो अभी अपकमिंग ट्रैक वीडियोज़ के लिए गेट रेडी एंड अगर वीडियो पसंद आया तो डोंट forget to like, share and subscribe. Until then, take care. That I tend to get won't rest until I make it right. Couldn't stay out of losing her before time had come. Like a storm I raged that night. Dark, I came undone. Oh, this house, I'm with my own.
Yeah.